केस वन हमारा क्या है, एट लो फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी लो होगी हमारी तो साइन के ए अपॉन टू अप्रोचेस के ए अपॉन टू। एक्चुअली मैं के ऐसा पा रहा हूँ, थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि साइन एक्स अप्रोचेस टू एक्स व्हेन वैल्यू ऑफ एक्स इज स्मॉल, ठीक है। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू टू अपॉन ए वी एस के ए अपॉन टू ओमेगा इक्वल टू, और यस ओके ठीक है यार थोड़ी कटिंग हो रही है हमारी, तो ये बन जाएगा के वी एस। दिस इज आर रिक्वायर्ड रिलेशन व्हेन एट लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम करते हैं कुछ और बातें, एट हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, इसकी फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बारे में। तो जो फेज वेलोसिटी होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, हम वो देखते हैं। तो फेज वेलोसिटी वी पी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये आपने पढ़ा होगा पहले फर्स्ट या सेकेंड ईयर में। एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी हमारी, ग्रुप वेलोसिटी वी जी इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो एट लो फ्रीक्वेंसी हमारी जो फेज वेलोसिटी है और हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो इक्वल होगी। हम क्या लिखेंगे, एट लो फ्रीक्वेंसी फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी इज आर सेम। अब हम बात करते हैं एट हायर फ्रीक्वेंसी के बारे में, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो यस स्टूडेंट, एट हायर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हमारा क्या होगा, टू अपॉन ए इंटू वी एस के ए, एक्चुअली साइन के ए अपॉन टू। हमने क्या करना है इसके बाद, यहां पर हम करेंगे यूज करेंगे ओमेगा अपॉन के इक्वल टू टू अपॉन के ए इंटू वी एस साइन के ए अपॉन टू। ओमेगा अपॉन के हमारा होता है फेज वेलोसिटी, तो हमारा टू अपॉन के ए इंटू वी एस इंटू साइन के ए अपॉन टू। एंड जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे ग्रुप वेलोसिटी वो होगा डी ओमेगा अपॉन डी के। तो एट हाई फ्रिक्वेंसी ग्रुप वेलोसिटी इज नॉट सेम एज या नॉट इक्वल एज फेज वेलोसिटी एट हाई फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा जो लेक्चर था इसको हम स्टॉप करते हैं, एंड हुआ। और हम आगे लेक्चर में करेंगे कि यहाँ हमने कहा था कि मोनो एटोमिक, और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डाई एटोमिक के बारे में बात करेंगे कि वाइब्रेशन जो होगा हमारा वो होगा डाई एटोमिक के केस में, कि जो हमारा एटम अब है वो क्या है, डाई एटोमिक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।